अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया खालिद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कुकिंग विद शाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का इटालियन सैंडविच। इटालियन सैंडविच बहुत मज़ेदार है, इसको हम सिंपल तरीके से बनाएंगे ताकि आप लोग घर में बना लें। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश आ रही थी कि आप हमारे लिए कुछ बनाएं जो कि हम हॉस्टल में इजीली बना सकें, तो मैंने आज आप लोग के लिए वो चीज़ बनाई है कि आप लोग चिकन अपने घर से बना के लाइएगा और बाकी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा और सैंडविच बनाइएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन मेरी हर नई आने वाली वीडियो का। तो टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैंने चिकन लिया है। ये देखें, एक पीस मैंने चिकन का लिया है, 50 से 60 ग्राम भी आप कर सकते हैं इसको। एक पीस चिकन का लेंगे, इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। ये देखें, थोड़ा सा गरम मसाला है, लाल चिल्ली है और ये हल्दी पाउडर हो गया और नमक हो गया। और इसमें दही लेंगे हम 2 चम्मच, लहसुन लिया है मैंने 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला लिया है वो भी 1/2 टीस्पून है। ऑयल लेंगे हम 2 टेबल स्पून और ये चिल्ली सॉस लेंगे हम 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम चिकन की कटिंग करेंगे। चिकन को हमने क्यूब शेप में कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसका एक क्यूब्स लें, एक स्लाइस को काट के और इतने छोटे छोटे से इसके स्लाइस काटेंगे, बिल्कुल इतने साइज के। और इसी तरह से हम इसके सारे जो, ये देखें, इस तरह से इसके क्यूब्स बन जाएंगे और ये क्यूब्स वाली ही हम इसकी कटिंग करेंगे सारे की। सारे चिकन के हमने क्यूब्स कट कर लिए हैं, अब हम इसको बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले दही डालेंगे और उसके बाद सारे मसाले डाल देंगे इसमें, ये तिक्का मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बिल्कुल थोड़ा सा डालना है क्योंकि नहीं तो इससे फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऑयल डालेंगे, दो टेबलस्पून हम इसमें ऑयल के डाल दें और इसमें चिली सॉस डाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए हम इसमें लेमन का रस भी डाल देंगे। ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें। हम इसमें चिकन डाल देते हैं। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों को धो लीजिएगा, धोने के बाद फिर इसको मिक्स करना है। चलिए जी, अब चूल्हे को हम ऑन करते हैं। और कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म हो जाए उसके बाद हम चिकन को इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं और इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। इसमें कोई ऑयल नहीं डलेगा और इसको स्लो आंच पे रखेंगे। चले आप चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखें, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये 2 से 3 मिनट इसको लगे हैं और चिकन रेडी हो चुका है। अब इसको हम बंद कर देते हैं चूल्हे को और बाकी का जो सामान है वो रेडी करते हैं। सैंडविच के लिए हमें बाकी जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, तो ये अगर स्टूडेंट इसको बनाएंगे तो ये उनके 8 स्लाइस बन जाएंगे, 8 सैंडविच बनेंगे। इसके लिए मैंने केचप ली है 2 टेबलस्पून और ये मायनीज मैंने ली है, सिंपल जो मायनीज होती है वो वाली, 4 टेबलस्पून। इनको हम मिक्स करके इनका सॉस रेडी करेंगे। उसके बाद ये सैलड बनाएंगे इसका। सैलड के लिए मैंने 1/2 टमाटर लिया है, 1/2 टमाटर के मैंने अंदर से बीज निकाल दिए हैं और बाहर वाला हिस्सा लेंगे इसका। और 1/2 शिमला मिर्च ली है, इसके अंदर से भी बीज निकाले हैं
और ये थोड़ी सी बंद गोभी ली है। इसकी कटिंग मैं आपके सामने करूँगी। अब सबसे पहले हम इसकी ये ड्रेसिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर केचप डालते हैं, 2 टेबलस्पून मैंने केचप के लिए हैं, और फिर ये मायनीज डालेंगे। मायनीज आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिन लोगों को केचप इतनी पसंद नहीं है वो केचप कम डालिएगा और मायनीज ज़्यादा कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, ये हमारी ड्रेसिंग जो है, इसकी ये सॉस जो है रेडी हो चुकी है। इसके साथ सैंडविच का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये आप हर तरह के सैंडविच में लगा सकते हैं। चलिए जी, अब हम ये वेजेस की कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हमने उसी तरह स्लाइस में काटना है, बिल्कुल बारीक सा चॉप करना है। या तो आप इसको चॉपर में कर लें, नहीं तो आप छुरी से भी इसको अच्छे से चॉप कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल बारीक सा चॉप करना है। शिमला मिर्च हो गई है, अब हम टमाटर की भी इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से बारीक इसको कट करना है। चलिए, अब इसी तरह से हम ये बंद गोभी को भी काट लेंगे इसी तरह से। सारी सब्जियां जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, बिल्कुल दाने की तरह से हो गई हैं, क्यूब्स, मतलब छोटे छोटे से आपने इसको बनाने हैं। अब इसको मैं सारी चीज़ों को एक बाउल में डाल के मिक्स करूंगी। चलिए, अब हम इसमें मायनीज डालेंगे। दो चम्मच जो हम इसमें मायनीज डालेंगे। दो टेबलस्पून हम इसमें मायनीज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलेंगे, ये देखें हमारा सैलड भी रेडी हो चुका है। इसमें मैंने मायनीज डाली हैं, 2 से 3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा सैलड ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बनाऊंगी। तो आप लोग वही कीजिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हो। चलें जी, ये हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसका सैंडविच बनाते हैं और आप देखिएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम इस पे सॉस लगाएंगे ब्रेड पे। दोनों पे हमने सॉस लगा लिया, अब एक पे चिकन लगाते हैं। उस पे हमने चिकन लगा लिया, अब इस पे सैलड लगाते हैं। स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो है वो सैंडविच है, आप लोग घर में इसे बना सकते हैं, तो बहुत मज़े का, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं हम इस तरह से, और इसको अच्छे से दबा देते हैं ऊपर से। चलिए जी, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप इसकी कटिंग पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे तो बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे बाजार का है। छुरी को तेज़ लीजिएगा ज़रा, और इस तरह से इसकी साइडें जो हैं वो कटिंग कर लें। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। अगर छुरी आपकी तेज़ नहीं होगी तो चिकन अंदर से कट जाएगा और सैंडविच हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इसको अंदर से भी 2 स्लाइस इसके कर लीजिए। सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, फिर आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा। चलिए जी, अब हमारा सैंडविच तो रेडी हो गया। अब हम इसको फिलिंग रोल के साथ रैप करेंगे, क्योंकि इससे हमारा सैंडविच जो है ड्राई नहीं होगा। तो आप इसको जितनी देर मर्जी रख सकते हैं। तो फिलिंग रोल को हम इस तरह रख के ऐसे करेंगे, उसके बाद हम इसमें सैंडविच रखेंगे।
क्यों करती इस तरह से। चलें अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, और फिर इसको यूं करेंगे और आगे से इसको कट कर देंगे छुरी के साथ। और फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें जी, मेरा सैंडविच जो है वो रैप हो गया, और अब ये ख़राब नहीं होगा और सॉफ्ट भी रहेगा, इसकी ब्रेड ड्राई भी नहीं होगी। इसको प्लेट में रखते हैं और इसी तरह से हम सारे सैंडविच जो हैं वो रेडी कर लेंगे। चलिए जी, सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, चेक करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे सैंडविच रेडी हुए हैं। अब मैं आपको इन्हें टेस्ट करके बताती हूँ। इसको मैंने रैप नहीं किया ताकि इसको टेस्ट किया जाए। वाह, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, कुकिंग विद शाज़िया। रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।